सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने फ्रंट एंड रोड मैप के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, फ्रंट हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। मैंने ये पूरे स्क्रैच से बताया था कि लाइक क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने टाइम पे वो कंप्लीट होगा। ठीक है, लाइक मैंने उसमें डिस्कस किया था कि HTML CSS कितने दिनों में पढ़ना है, गिट बैश एंड फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में और भी मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में, जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी के बारे में आप क्या क्या पढ़ सकते हो और कितना टाइम देना है, कितने कितने दिन में आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हो वो वीडियो, मैं ऊपर कहीं लिंक पे दे दूंगा। वो वीडियो में अच्छे से फ्रंट एंड रोड मैप बताया हुआ, फ्रंट एंड वेब डेवलपर रोड मैप। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ बैक एंड वेब डेवलपर रोड मैप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ना, और मैंने सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर रोड मैप में कि हाउ इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैक एंड वेब डेवलपर रोड मैप के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा लाइक रोड मैप की सीरीज का सेकेंड वीडियो होगा। तो ऐसे ऐसे और भी वीडियोस आएंगे रोड मैप से रिलेटेड, लाइक डेवऑप्स से रिलेटेड और डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो ये मैं रोड मैप के वीडियोस लाते रहूंगा। तो आज है बैक एंड वेब डेवलपर रोड मैप के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैक एंड डेवलपर रोड मैप फॉर अ वेब डेवलपर। ठीक है, तो बैक एंड डेवलपर इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हु इंस्टेड बिल्ड्स एवरीथिंग दैट इज नॉट सीन बट सर्व्स मेक दैट साइट और एप्लीकेशन वर्क। ठीक है, तो बैक एंड वेब डेवलपर क्या करता है? बैक एंड वेब डेवलपर लाइक हमने फ्रंट एंड बना लिया, फ्रंट एंड बना लेने के बाद लोग को दिखता है कि वो हाँ इसने ये इस टाइप से ये बटन बनाया है, इस बटन को लाइक मैं होवर करूंगा तो ये बटन थोड़ा सा अलग कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसने एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स में उसने डिजाइन बना रखी है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, लाइक यही एक समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक वेबसाइट है, तो ये हमें दिख रहा है बैक एंड का, ये है इतना बड़ा फॉन्ट है, फिर इससे छोटा फॉन्ट है, फिर यहाँ पे कुछ इमेजेस है। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड हमें दिख जाता है। ठीक है, बट बैक एंड हमें दिखता नहीं है। बैक एंड क्या कैसे वर्क करता है? ये बैकग्राउंड में वर्क करता है। ठीक है, लाइक पीछे वर्क करता है, सर्व करता है, लाइक सर्वर पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि लाइक बैक एंड, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बटन को क्लिक किया। ठीक है, तो बटन को क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस हुआ ना, जिस जो वो वेबसाइट ने लाइक क्लिक करने के बाद उसने लाइक अगर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो सिंपल वो बैक एंड वो बटन क्लिक करने पे कुछ शो कर देता है, बट अगर मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक बैकएंड में बहुत कुछ होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं और भी सर्वर से रिलेटेड कुछ कुछ कनेक्टेड होते हैं, तो वो कनेक्ट होने के बाद, वो लाइक क्लिक होने के बाद और कुछ अगर अपीयर होता है या कहीं रीडायरेक्ट होते हैं या कुछ कुछ ऐसा एनिमेशन आता है, तो वो वर्क होता है बैकएंड का। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं बैकएंड के, तो वो मैं डिस्कस करते चलूंगा आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैक एंड वेब डेवलपर रोड लाइक बैक एंड डेवलपर बनना है ना, तो हम सबसे पहले क्या, हमें सबसे जरूरी चीज आनी चाहिए, वो चाहिए बेसिक्स ऑफ हाउ इंटरनेट वर्क्स, फ्रंट एंड वेब। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई कोई कहेगा कि यार लाइक फ्रंट एंड वेब क्यों, मुझे तो बैक एंड ज्यादा पसंद है। फ्रंट एंड, मैं सिंपल सा एक बात बताता हूँ, लाइक अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो ना, तो आपको फ्रंट एंड का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, लाइक अगर कोई ये भी नहीं कह सकता ना कि मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड बिल्कुल भी नहीं जानता। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं मॉडर्न लाइब्रेरीज की नॉलेज नहीं भी होगी तो चलेगा, बट हमें फ्रंट एंड के लाइक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होने ही चाहिए बैकएंड के लिए। ठीक है, बैकएंड के लिए भी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, हमें सीखना होगा बेसिक्स हाउ इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड वेब, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो हाउ इंटरनेट वर्क्स का वीडियो देख सकते हो यहाँ पे कहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे कहीं ऊपर में आ जाएगा हाउ इंटरनेट वर्क्स का वीडियो, वो देख लो, वो बहुत ही अच्छे से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, कैसे इंटरनेट काम करता है, क्या क्या उसमें होते हैं, क्या HTTPs है, HTTPS, फिर मैंने उसमें होस्टिंग, डोमेन, फिर बहुत कुछ DNS, ये सारा चीज डिस्कस किया है। लाइक अगर मैं बोलूं तो उस वीडियोस में ये सारे कुछ डिस्कस किए हुए हैं, HTTPS, हाउ द वर्क्स विद ब्राउजर, DNS वर्क्स, डोमेन नेम्स, होस्टिंग नेम, ये सब दिया हुआ है। दूसरा चीज सबसे पहले लाइक हाउ इंटरनेट वर्क्स आप समझ गए, उसके बाद क्या चीज है आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, कि वो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना जरूरी है, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में जानना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में जानना जरूरी है, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में जानना जरूरी है,
थ्रेड के बारे में जानना जरूरी है, बेसिक टर्मिनल कमांड्स, अच्छा ठीक है बेसिक टर्मिनल कमांड्स को रहने देते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट थ्रेड, लाइक ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस, प्रोसेस मैनेजमेंट थ्रेड, ये सारे चीज एक सब्जेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो जब आप पढ़ोगे वो सब्जेक्ट को, आप सिंपल सा जीएफजी को फॉलो कर सकते हो, जीएफजी में आप पढ़ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हो। एंड फिर आईओ मैनेजमेंट, बेसिक टर्मिनल कमांड्स, ठीक है, कुछ कुछ कमांड्स होते हैं लाइक गेट, गिट, गिटहब, ये सब भी जाना जरूरी है, नेटवर्क्स फंडामेंटल, ये सब जाना जरूरी है। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ हमें ये नॉलेज होना चाहिए बेसिक्स ऑफ हाउ इंटरनेट वर्क्स, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कन्फिग्रेशन है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट है, कैसे नेटवर्क वर्क करता है, तो ये सब हम लोग जान गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे सेकेंड चीज है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या है? वर्जन कंट्रोल अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो या डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है वर्जन कंट्रोल, ठीक है। वर्जन कंट्रोल के लाइक आप बिना वर्जन कंट्रोल सीखे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, तो वर्जन कंट्रोल में सबसे जरूरी क्या है? गिट, GitHub, GitLab, Gitbucket, ठीक है। Git and GitHub का बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल आने वाला है, वो अभी बन रहा है, प्रोसेस में है, Git and GitHub भी मैं बताऊंगा। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में Git, GitHub, GitLab, Gitbucket आप सीख सकते हो। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या? वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर कोलाबरेट एंड मैनेज चेंज ओवर टाइम्स, ठीक है। Git और GitHub की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं उसका एक उसको एक रख सकते हैं कंजर्व करके, कि आगे कोई चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस अगर सही हो तो उसमें मर्ज कर दे, अगर वो चेंजेस नहीं सही हो तो हम बैक मेरा जो पहले से बना हुआ है उस उसके साथ में वर्क करता जाओ। तो इस टाइप से वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जाननी है गिट, गिटहब एंड गिटलैब और गिटबकेट, ये सब जानना जरूरी है। गिटलैब और गिटबकेट सिंपल, गिट और गिटहब आप समझ जाइएगा तो काम आपका हो जाएगा। गिटलैब और गिटबकेट भी वही काम करता है जो गिट और गिटबैश समथिंग करता है, मैंने कभी यूज नहीं किया है तो मैं नहीं जानता। गिटलैब यूज किया हूँ, आई थिंक थोड़ा गिटहब की तरह ही है। तो चलिए थर्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कौन सी आनी चाहिए और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस चीज के लिए सही है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या सही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल में आप जुड़ सकते हो, जिसमें न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप वहां पे सीख सकते हो, वहां पे वन टू वन मेंटरशिप है और इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको। सबसे बेस्ट बात यहाँ की क्या है कि आपको कुछ भी पे नहीं करनी, ठीक है। आपको जीरो फी टिल प्लेसमेंट, आपको जब तक आप प्लेस ना हो जाए आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो, आप न्यूटन स्कूल आर वर्किंग इन टॉप कंपनीज, न्यूटन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के जो मेंटर्स है वो बहुत ही अच्छे जगह से हैं, वो आपको अच्छा मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लाइव क्लासेस है, इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स है, मॉक इंटरव्यू है, पर्सनल मेंटरिंग है, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या सिंपल आप newtonschool.co पे भी जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो अब अपने वीडियोज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मैंने फर्स्ट इसलिए रखा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर वेब डेवलपर, ठीक है। एंड फिर सीसैप है, फिर पाइथन है, रूबी है, पीएचपी है, जावा है। अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो, बैकएंड वेब डेवलपर बनना चाहते हो, तो इन सब लैंग्वेजेस के साथ आप बन सकते हो। आपके पास ये सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। C++ से आप वेब डेवलपर नहीं बन सकते, टू बी क्लियर, C++ से कोई वेब डेवलपर नहीं बन सकता, उसके लिए कोई लाइब्रेरीज नहीं है, कोई फ्रेमवर्क्स नहीं है वेबसाइट के लिए, वेब डेवलपर के लिए, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज यूज कर सकते हो,
सीसैप यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, रूबी यूज कर सकते हो, पीएचपी यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो। अगर आप मेरी बात मानो, लाइक व्हाट आई प्रेफर, जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले ठीक है, तो ये तो मैंने एक चूज कर लिया कि हाँ ये मुझे मुझे बढ़नी है, लाइक ये मैं समझ गया कि लाइक ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। उसके बाद क्या, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख गए, लेट्स लाइक आप जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लिया आपने, तो जावास्क्रिप्ट के लिए बैकएंड, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपके पास बैकएंड के लिए ऑप्शन होंगे Node.js। Node.js क्या है, इट अलाउ यू टू डेवलप अ कंपोनेंट वेब एप्लीकेशन यूजिंग वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो Node.js क्या करता है, Node.js आपको लाइक बैकएंड के लिए वर्क करता है, मतलब एक जावास्क्रिप्ट पे ही ये चलता है, बट ये बैकएंड के लिए है स्पेशली। ठीक है, ये सर्वर्स के लिए भी है स्पेशली Node.js, तो आप Node.js के साथ पढ़ सकते हो अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर आप लेट्स से लाइक पाइथन ले लेते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लाइक नहीं मुझे जावास्क्रिप्ट अच्छा नहीं लग रहा, या मैं जावास्क्रिप्ट नहीं जानता और मैं सीखना भी नहीं चाहता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं पाइथन सीखा हुआ हूँ, अच्छे से जानता हूँ, मैं पाइथन के साथ बढ़ना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पाइथन से भी बढ़ सकते हो। पाइथन में क्या आपके पास ऑप्शन है, पाइथन में आपके पास Django एंड फ्लास्क ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स है जो पाइथन में आते हैं, जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं पाइथन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आता है, ठीक है, मैं ना ही जावास्क्रिप्ट जानता हूँ ना ही पाइथन जानता हूँ, मुझे जावा बहुत अच्छे से आता है, तो जावा के साथ भी आप बना सकते हो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो जावा के लिए आता है स्प्रिंग बूट। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है नहीं पता, मैंने नहीं देखा है, चेक करके आप देख लेना। ठीक है, तो ये इसलिए मैं दोनों वर्ड यूज करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, जावा के साथ स्प्रिंग बूट यूज होता है, तो आप वो सीख सकते हो। फिर होता है एक पीएचपी एंड MySQL। पीएचपी और MySQL बहुत ही लाइक पुरानी हो चुकी है, बट अभी भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्रेटेस्ट वे टू राइट सर्वर साइड कोड एंड मेनी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंटरनेट रन ऑन पीएचपी एंड MySQL सर्वर। ठीक है, लाइक 50% अभी जो हम लोग के पास वेबसाइट्स है वो पीएचपी और MySQL पे चल रहा है। ठीक है, पीएचपी लैंग्वेजेस पे चल रही है, लाइक हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएंगे, पीएचपी हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पीएचपी हो जाएंगी। पीएचपी हो जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड MySQL हमारे लाइक कोड करने के लिए। ठीक है, लाइक MySQL बताता हूँ क्या है, MySQL डेटाबेस है तो उसके लिए यूज होता है। फिर है उसके बाद रूबी ऑन रेल्स। रूबी ऑन रेल्स भी आप सीख सकते हो, लाइक रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रूबी अगर आपको आती है तो आप वहाँ पे रेल्स एक उसका लाइक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए रेल्स फ्रेमवर्क होगा या लाइब्रेरी होगा वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो मेरे पास Node.js का ऑप्शन है, मैंने पाइथन सीख लिया तो मेरे पास Django एंड फ्लास्क का ऑप्शन है, मैंने रूबी सीख लिया तो रूबी के लिए मुझे रेल्स का ऑप्शन है, रूबी और रेल्स, एंड मैंने अगर पीएचपी सीख रखा है तो मेरे पास पीएचपी एंड MySQL का ऑप्शन है, मैंने जावा सीख रखा है ना तो मेरे पास जावा विद स्प्रिंग बूट का ऑप्शन है। तो ये तो आप समझ गए कि हाँ मेरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करना है और उसके साथ बढ़ जाना है, लाइक उसके लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के साथ। और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज है यार, लाइक Node.js ही सिर्फ है, Node.js के बाद Express.js आते हैं, और भी चीज है, लाइक आपको ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो मैंने बताया वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और भी बहुत सारे चीज इसमें ज्वाइन होते जाएंगे। लाइक अगर आप पाइथन यूज कर लेते हो तो पाइथन के साथ Django, फ्लास्क और भी बहुत चीज आप यूज करते जाओगे, जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। बट मेरी मानो तो मैं Node.js को लाइक प्रेफर करता हूँ। Node.js बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जो जावास्क्रिप्ट पे चलती है, जो सर्वर साइड कोड लिखने के काम आती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डेटाबेस में। तो मेरे पास मैंने तीन चीज पढ़ रखा है, मैंने बेसिक इंटरनेट वर्क्स कैसे वर्क करता है वो समझ रखा है, मैंने वर्जन कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो समझ लिया, फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है मुझे सीखनी चाहिए और उसके साथ क्या क्या लाइब्रेरीज सीखनी चाहिए वो मैंने देख लिया है। ठीक है, अब मेरे पास सबसे लाइक फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है वो है डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस है PostgreSQL, ठीक है, MySQL,
या माई एसक्यूएल पे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो है, माई एसक्यूएल लिख देता हूँ, माई एसक्यूएल MY, ठीक है। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाले को ही कैसे छोड़ दिया, माई एसक्यूएल तो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, PostgreSQL है, MS SQL है, MariaDB है, Oracle है, MariaDB है, Oracle है, MySQL है, MongoDB है, DynamoDB है, GraphQL है, CouchDB है। तो ये सब डेटाबेसेस आप सीख सकते हो। डेटाबेस का क्या काम है? डेटाबेस का काम है जब जब कभी भी हम लोग लाइक बैकएंड पे काम करते हैं, लाइक हमने एक हमारे पास फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में मेरे पास एक एक फॉर्म है, फॉर्म में मैंने नेम तो लिख दिया, ठीक है, वहां पे मुझे दिख रहा है कि मेरा नेम लिखा रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक फोन नंबर लिख दिया, फिर मैंने उसमें ईमेल डाल दी और मैंने उसे सबमिट कर दिया। तो वो सबमिट होने के बाद वो जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगा? वो हमारे डेटाबेसेस पे जाता है, ठीक है। हम जो लाइक डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि अगर उस बंदे ने नेम अगर अभिषेक लिख रखा है तो उसका नेम यहाँ पे रखाएगा, उसका नंबर समथिंग 9905 आ गया है तो उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और उसने अपना एड्रेस लिख रखा है तो उस डेटाबेस में एड्रेस का एक ऑप्शन लाइक एक स्पेस होगा, वहाँ पे डेटाबेस में वहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो ये सब होती है लाइक डेटाबेसेस के वर्क। और भी बहुत सारे वर्क है लाइक नॉइज है, कोई नहीं। चलिए अब आते हैं API में। तो API इज अ टाइप्ड इंटरमीडिएट दैट अलाउ सर्विसेज टू कम्युनिकेट विथ अनदर लाइक वन अनदर, ठीक है। API यूज्ड बाय बैकएंड डेवलपर टू कनेक्ट डिफरेंट ऐप और सर्विसेज इन ऑर्डर टू गिव अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस ऑन द फ्रंट एंड, ठीक है। लाइक फ्रंट एंड पे ही ये API होता है यूज, बट ये बैकएंड के साथ वर्क होता है। लाइक बैकएंड के साथ वर्क कैसे होता है? लाइक API होता क्या है? API सिंपल होता है कि जब हम लोग एक चीज से दूसरे जगह दूसरे चीज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ कोड है, ठीक है, उस कोड को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज कर रहे हैं। मेरे पास एक जेसॉन फॉर्मेट में कोड है जो बहुत सारे लोग को यूज करना है, ठीक है। मैं क्या किया, उस सारे कोड को एक छोटे से API में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। API में कन्वर्ट करने का मतलब मैंने एक उस सारे कोड को लाइक अगर कोई चाहे तो उस सारे कोड को कॉपी ना करे, मेरे सिंपल से एक API को नेमिंग वहां पे API की जगह पे यूज कर ले, तो मैं ये मेरा सारा कोड वहां पे यूज हो सके, ठीक है। ये होता है, जैसे API से मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था, मैं बताऊंगा अभी वो प्रोजेक्ट बनाना। लाइक एक मार्वल का बहुत सारे मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, लाइक अगर मेरे पास आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है, तो मेरे पास एक API है जहाँ पे मार्वल्स के कैरेक्टर्स हैं, जहाँ पे आयरन मैन है उनकी पावर्स और उनके लोकेशंस के बारे में लिखा हुआ है, कैप्टन अमेरिका है उनके पावर और उनके लोकेशन के बारे में लिखा हुआ, ये सारे डिटेल्स वहां पे लिखे हुए हैं उस जेसॉन फॉर्मेट में लिखे हुए। अब उस चीज को हमें यूज करना है, तो अगर उसे यूज करना होगा तो मुझे सारे वैल्यूज देने होंगे, लाइक मुझे वैल्यूज देने होंगे कि यस आयरन मैन का लोकेशन क्या है जी, तो मुझे इंडस्ट्री ये स्टार्क इंडस्ट्री है, तो वो लिखना पड़ेगा बाय टाइपिंग, लाइक मुझे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि लाइक मुझे मैं सिर्फ उसका उसका API कॉल कर लूँ यहाँ पे और सिर्फ लोकेशन डालू ना, तो उसका लोकेशन सिंपल मुझे इनपुट में मिल जाए। अगर कैप्टन अमेरिका का मुझे लोकेशन चाहिए तो वो इनपुट में मिल जाए। तो ये होता है वर्क API का। आई थिंक इतना काफी होगा। तो API में हम लोग JSON यूज करते हैं, REST API यूज कर सकते हैं, SUAP यूज करते हैं, JSON यूज कर सकते हैं, AES यूज कर सकते हैं। ये सब API में कुछ कुछ हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं API में वर्क करने के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ होते हैं जैसे कैशिंग होते हैं और टेस्टिंग्स होते हैं। लाइक अगर इतना कुछ आप कर लेते हो ना, लाइक अगर आप फर्स्ट में बेसिक्स हाउ इंटरनेट वर्क्स वर्जन कंट्रोल सीख लेते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हो, फिर उसके बाद एक डेटाबेस में कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस, कैसे यूज करते हैं डेटाबेस को वो सीख लेते हो, API के साथ प्ले करना सीख लेते हो, लाइक API के साथ खेलना, कैसे API यूज होता है, कैसे हम API को एक जगह से दूसरे जगह लाइक चेंज कर सकते हैं, API में चेंजेस कर सकते हो। तो ये सब आप इतना अगर सीख लेते हो तो आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, लाइक आप एक बैकएंड डेवलपर बन गए लाइक इतना कुछ सीखने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ कुछ चीजें होती है जैसे कैशिंग और टेस्टिंग। लाइक कैशिंग इज द टेक्निक फॉर स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ द रिसोर्स इन कैश एंड रिट्राइविंग इट फास्ट व्हेन नीडेड, लाइक CDN और Redis यूज किया जाता है। चेकिंग द डेटाबेस एंड स्टोरी लाइक
टेस्टिंग यूज किया जाता है, लाइक उसके डेटाबेस को और सर्वर साइड को टेस्ट किया जाता है कि लाइक सब चीज सही चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। कैशिंग यूज होता है कि लाइक मुझे जब कभी भी ऐसा, लाइक मैं पहले से अपने सारे चीज को स्टोर करके रख लेता हूँ और जब भी कभी मेरा क्रैश का ऐसा नॉब आता है तो मैं इस कॉपी को मैं यूज कर पाऊँ, रिट्राइव कर पाऊँ डेटा को, ठीक है। तो ये यूज होता है कैशिंग और टेस्टिंग के लिए। तो इसके लिए CDN यूज कर सकते हैं, रेडिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना लाइक बैकएंड डेवलपर के लिए आप जानना जरूरी है, कैशिंग जानना जरूरी है, API जानना जरूरी है, डेटाबेस जानना जरूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक चूज करना जरूरी है, वर्जन कंट्रोल, और फिर हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो लाइक ये हो गया हमारा हाउ टू बिकम अ बैकएंड वेब डेवलपर, ठीक है। अब मैं एक वीडियोज में बताऊंगा जिसमें मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं कहाँ से सीखूं, कहाँ से लाइक मैं, आपने तो बता दिया कि लाइक फ्रंट एंड के लिए ये सब सीखना है, अब मुझे फ्रंट एंड सीखना है तो मैं कहाँ से सीखूंगा, तो वो मैं एक रिसोर्सेज वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही जल्दी वो वीडियो आएगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ से आप कहाँ से आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, कहाँ से आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, क्या क्या चीजें लाइक रिक्वायर्ड होंगी, क्या पेड रिसोर्सेस हैं, क्या क्या अनपेड रिसोर्सेस है, क्या फ्री में अवेलेबल है या नहीं, क्या इसके लिए पैसे देने जरूरी है या नहीं, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रिसोर्सेज वीडियोज होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।